जय हिंद बच्चों, आज किस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री के महत्वपूर्ण लघुत्तरी प्रश्न लेके आए हैं जो परीक्षा की से बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। ये लघुत्तरी प्रश्न क्वेश्चन बच्चों 5 नंबर को मिलेंगे। कितने नंबर का रहेगा? 5 नंबर का, और ये NCERT रहेगा बच्चों और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंस है। देखो, कई वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है परीक्षाओं में, अकबर के काल की दो इमारतों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन है कि अकबर के समय की दो इमारतों का उल्लेख कीजिए अथवा करके देगा बच्चों अकबर के समय में निर्मित दो प्रमुख इमारतों के नाम लिखिए। तो चलिए उत्तर देखते हैं हम लोग। अकबर के समय निर्मित दो प्रमुख इमारतों के नाम निम्नलिखित थे। जब निम्नलिखित आया नंबर एक, देखो नंबर एक हेडिंग डाले हम लोग, हेडिंग है बच्चों हुमायूं का मकबरा। देखो अकबर के शासनकाल में बनी पहली इमारत दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। कहाँ स्थित है हुमायूं का मकबरा? दिल्ली में। मकबरा मिस होता है बच्चों कब्रस्तान होती है, जिसे अकबर की पत्नी हमीदा बानो बेगम या हाजी बेगम ने निर्मित करवाया। अकबर की पत्नी हाजी बेगम ने फारसी वास्तुकार मिर्जा ग्यास की देखरेख में इसका निर्माण कार्य करवाया था। हुमायूं का मकबरा ईरानी शैली से प्रभावित था। यह चार बाग पद्धति में बना प्रथम मकबरा है। इस मकबरे में गुम्बद ईरानी शैली में बना हुआ है। हुमायूं के मकबरे को ताज का पूर्वागामी माना जाता है। इसकी एक मुख्य विशेषता दो परतों का गुम्बद है। अकबर के काल में वास्तुकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचने लगी थी, यानी चरम सीमा पर था। अबुल फजल कहता है कि बादशाह ने आलासीन इमारतों की योजना बनाई तथा उन योजनाओं को जो है क्रियान्वित किया। अब देखेंगे अगला हम लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों, क्योंकि दो लिखना है। फतेहपुर सीकरी, चलिए फतेहपुर सीकरी के बारे में विषय में चर्चाएँ करते हैं। देखो फतेहपुर सीकरी, अकबर ने जो है 1572 ईस्वी में आगरा से, आगरा कहाँ है बच्चों? ये उत्तर प्रदेश में है, पेठे के लिए मशहूर है। तो 1572 में आगरा में 36 किलोमीटर दूर, आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में किले नुमा महल का निर्माण आरंभ किया। यह 8 वर्षों में जो बच्चों पूरा हुआ था। कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। और राजपूत रानी जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल था। पंचमहल पर बहुत प्रभाव दिखता है। यह पिरामिड के आकार का 5 मंजिला भवन था। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद को जो है फर्ग्यूसन ने पत्थर में रूमानी कथा के रूप में जो है प्रशंसित किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंस, कई वर्षों परीक्षाओं में बच्चों पूछा जा रहा है। मुगलकालीन चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए अथवा करके देगा मुगलकालीन चित्रकला की दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं इसका उत्तर हम लोग। मुगल चित्रकला भारत में ही नहीं अपितु तो विश्व इतिहास में भी अपना जो है महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसका जो है निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर एक, मुगल चित्रकला की नींव मुगल शासक हुमायूं के शासनकाल में रखी गई थी। मीर सैयद अली एवं अब्दुल समद हुमायूं कालीन प्रमुख चित्रकार थे। अकबर ने जो है चित्रकला के विकास के लिए एक पृथक चित्रकला, पृथक मीन्स होता है अलग, पृथक चित्रकला विभाग की जो है स्थापना की थी बच्चों। बासावन अकबर कालीन प्रसिद्ध चित्रकार था, जो रेखांकन, रंगों के प्रयोग, छवि चित्रकारी तथा भू दृश्यों के चित्रण में पारंगत था, यानी जो है बहुत ही निपुण था। मुगल नंबर दो लिखेंगे हम लोग जो है। मुगल चित्रकला का सर्वाधिक विकास बच्चों जहांगीर के समय में हुआ था। इसका काल चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। स्वर्णकाल में होता है मतलब बहुत से चित्रकारी हुए थे, चित्रकार बने थे। जहांगीर के काल में हाथ से लिखी कई ग्रंथों की जो है विषय वस्तु को चित्रकारी हेतु प्रयोग की प्रणाली को जो है समाप्त करके छवि चित्र, व्यक्ति चित्र एवं प्राकृतिक दृश्यों तथा व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्र बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर प्रसिद्ध विशेषज्ञ था, जबकि अबुल हसन को जो है छवि चित्र में निपुणता जो है प्राप्त थी।